तो क्या हाल है दोस्तों, आप लोगों के इस अपार प्यार के कारण ब्लडी सत्य ने ये डिसाइड किया है कि मैं आप लोगों से हफ्ते में 6 दिन और दिन में 2 बार मिलूंगा, जिसमें से पहली बार मैं आप लोगों से मिलूंगा शाम के 4 बजे और दूसरी बार मिलूंगा रात के 9 बजे। जब मैं आप लोगों से पहली बार मिलूंगा तो मैं आप लोगों को दुनिया का एक ऐसा सच, एक ऐसी घटना, एक ऐसा सत्य बताऊंगा जिसे सुनकर आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएगी। वो वीडियो थोड़ा छोटा होगा, लेकिन उस छोटे वीडियो में ही मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा हैरान करने वाला हूं, क्योंकि वो एक ऐसा सत्य होगा, एक ऐसा ब्लडी सत्य होगा, चाहे आप मानो या ना मानो वो नहीं बदलेगा। और रात के 9 बजे मैं आप लोगों से हमेशा की तरह ही रूबरू हूँ एक डरावनी और हैरान कर देने वाली कहानी लेकर, जिसे सुनकर आप लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये सचमुच कहीं हो सकता है या फिर सिर्फ ये ब्लडी सत्य का हैरान कर देने वाला, डरा देने वाला वीडियो है। तो आइए आज का ये पहला एपिसोड शुरू करते हैं एक ऐसे ब्लडी सत्य के साथ जो आप लोगों ने शायद कभी नहीं सुना होगा, लेकिन जिसको सुनकर आप लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। आप लोग जो यहाँ तक आ गए हैं, मुझे यकीन है कि सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। दोस्तों, माँ दुर्गा की महिमा से तो आप पूरी तरह से वाकिफ होंगे, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि माता सती ने शिव जी के अपमान के कारण जब अपना देह त्याग की थी तो शिव जी ने अपने गुस्से में आकर माता सती को अपने कंधे में उठाकर कैलाश पर्वत की तरफ प्रस्थान कर दिए थे। वो इतने गुस्से में थे कि एक बार माता सती का चेहरा देख लेते तो शायद ये पूरी दुनिया का विनाश हो जाता। और उनके यही प्रकोप से बचने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के एक एक अंग काटने शुरू कर दिए। और फिर कहा जाता है कि माता सती के अंग जहां जहां पर गिरे उस जगह को शक्तिपीठ कहा जाने लगा। वो जगह पूरी दुनिया में विख्यात हो गई। कहा जाता है कि माता सती के शक्तिपीठ में अगर कोई भी हम अपनी मनोकामना रखते हैं तो वो पूरी जरूर होती है। और उन्हीं शक्तिपीठों में माता की ऐसी ऐसी महिमा देखने मिलती है जिसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। उन्हीं में से एक शक्तिपीठ है नागपुर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित कुराड़ी माता का शक्तिपीठ। कहा जाता है कि यहाँ पर माता की आंखें गिरी थी। इस मंदिर में आए दिन बहुत सारे चमत्कार होते रहते हैं, लेकिन इन चमत्कारों में सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि दिन के समय अगर आप इस माता की मूर्ति को देखेंगे तो वो आपको क्लियर दिखाई देगा कि ये माता की मूर्ति एक बचपन की मूर्ति है। वही मूर्ति को जब आप दोपहर में देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये मूर्ति अब अपने जवान रूप में है। और जब आप उस मूर्ति को शाम के वक्त देखेंगे तो आपको पूरी तरह से ऐसा प्रतीत होगा कि ये मूर्ति अपनी वृद्धावस्था में, और उस समय उस मूर्ति की एक आंखों से आंसू आता रहेगा। ये ना जाने कितने ही सालों से चला आ रहा है, लेकिन माता की महिमा इतनी अपार है कि यहाँ पर साइंस भी फेल हो गया है। साइंटिस्ट भी बता नहीं पाए हैं कि ये कैसे होता है। बड़े बड़े साधु संत महात्मा भी माता के महिमा के सामने यहाँ पर अपने घुटने टेक देते हैं। कहा जाता है कि इस शक्तिपीठ में माता से जो भी वर मांगो, जो भी मनोकामना मांगो, वो पूरी जरूर होती है। लेकिन मेरे इस वीडियो को देखकर मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ये कह रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, शायद उस मूर्ति को ही बदल दिया जाता हो, शायद उस मूर्ति के कलर को बदल दिया जाता हो, शायद उस मूर्ति के मेकअप या कपड़ों को बदल दिया जाता हो, तभी ऐसा होता होगा। लेकिन दोस्तों, आप लोग मानो या ना मानो, यही ब्लडी सत्य है। और यहाँ पर माता की महिमा ना जाने कितने सैकड़ों सालों से चली आ रही है, और जिसका पता शायद आज तक कोई नहीं लगा पाया है और आगे भी शायद कोई नहीं लगा पाएगा। मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के पास कल फिर से एक और इसी तरह का हैरान कर देने वाला, चौंका देने वाला वीडियो लेके आऊंगा जिसे सुनकर आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएगी। एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसा ब्लडी सत्य मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शाम का इंतजार कीजिए, रात के 9 बजे मैं आप लोगों के पास एक और डरावनी कहानी, एक और दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आने वाला हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक आप लोगों ने नहीं किया है तो, और हां, जाते जाते बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस लाऊं आप लोगों तक उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।